दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन का जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती से पालन कराया जा रहा है। वैसे दुकानदार या वैसे लोग जो लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं और लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। खबर नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ से है, जहां बिहार शरीफ में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने पर नालंदा जिला अधिकारी के निर्देश पर 8 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान दुकानों को सील किया गया है। नालंदा जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अपर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में 8 दुकानों को सील किया गया। दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। जिन दुकानों पर कार्रवाई हुई है वो दुकान निम्न प्रकार से हैं। आपको बताते हुए हम चले कि खंदक मोड़ पर के फार्मा हाउस, बिजली खंदक पर के संजय साड़ी सेंटर, खंदक पर के संजय किराना स्टोर, नई सराय स्टेशन रोड के A to Z स्टेशनरी, रामचंद्रपुर बिहार शरीफ के राधा मेडिकल हॉल, रामचंद्रपुर बिहार शरीफ के राजेश किराना स्टोर, रामचंद्रपुर के ही है शुभम किराना स्टोर, इतवारी बाजार मोड़ पर संगम किराना स्टोर्स में कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान दुकान को सील किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानों को सील किया गया है। इन दुकानदारों के द्वारा लॉकडाउन में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वैसे भी ग्राहकों को सामग्री आपूर्ति की जा रही थी, जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जो मास्क लगाकर दुकान के पास नहीं आते थे, उन्हें भी इस लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए सामग्री आपूर्ति की जाती थी, उन्हें भी सामान दिया जाता था लोभ लालच में। और ऐसे में इन पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने के एवज में कार्रवाई की गई है। नालंदा जिला अधिकारी के निर्देश पर 8 दुकानों पर जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में कार्रवाई की गई है और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो भी लोग लॉकडाउन का खुलेआम धज्जियां उड़ाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, क्योंकि इस वैश्विक महामारी को हम सब मिलकर हराएंगे। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।